तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के कसड़ा आईमा गांव में मेवालाल पुत्र देवनारायण पर गिरोहबंद एवं सामाजिक क्रियाकलाप गुंडा एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उपजिलाधिकारी सगड़ी क्षेत्राधिकारी सगड़ी कोतवाल जैनपुर ने दो थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर गाटा संख्या 81/0.0081 हेक्टेयर कसड़ा आईमा, जिसकी लागत कुल लागत बाजारों मूल्य लगभग 6,47,400 है, एवं ब्रजेश कुमार पुत्र मेवालाल के नाम से छतरपुर खुशहाल में गाटा संख्या 30/0.1597 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी बाजार की मूल्य 9,42,230 रुपये है। मौके पर पहुंचकर दुग्गी पिटवा कर प्रशासन द्वारा कुर करा ली गई एवं उक्त जमीन की संरक्षण तहसीलदार सगड़ी विवेकानंद दुबे को सुपुर्द कर दिया गया है। बता दें तो इस दौरान बताया जा रहा है कि मेवालाल एवं ब्रजेश कुमार के दाव असामाजिक गतिविधियों और असामाजिक क्रियाकलाप करके धन शोधन कर खरीदी गई थी, जो कि जेल में बंद टॉप 10 माफिया ध्रुव सिंह कुंटू का सहयोगी बताया जा रहा है, जिस पर लगभग 14 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिसे उपजिलाधिकारी सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार एवं क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी कोतवाल जैनपुर विवेक पांडे व दोनों थानों की पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर दुग्गी पिटवाकर बकायदा जमीन को कुर्क कर लिया गया। जमीन कुर्क होने के बाद से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पिछले वर्ष मास्टर हत्याकांड का आरोपी भी बताया जा रहा है। दोनों ही जमीनों का बाजारी मूल्य लगभग 16 लाख रुपये रखा गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार ने बताया कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर जो कुंटू सिंह का सहयोगी है और पूर्व में असामाजिक गतिविधियों के तहत गुंडा एक्ट में पाबंद था, जिसकी दो गांव में जमीन थी, जिसे कुर कर लिया गया है, जिसका बाजारी मूल्य लगभग 16 लाख रुपए से ज्यादा है। आज दिनांक 3/2024 को प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह के सहयोगी ब्रजेश यादव और मेवालाल यादव की लगभग 75 लाख रुपया, जिसका बाजार मूल्य है, जमीन को अंतर्गत धारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया है। 2008/23 थाना जियनपुर पर पंजीकृत मुकदमा अंतर्गत धारा गैंगस्टर अधिनियम में दो प्रॉपर्टियों को, इन दोनों अभियुक्त ब्रजेश यादव और मेवालाल यादव की दो प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 27/2024 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार उनको 14A के अंतर्गत कुर्की करने के आदेश दिए गए थे, जिसमें आज दिनांक 30/2024 को SDM सगड़ी, CO सगड़ी एवं थाना जियनपुर की पुलिस द्वारा नियमानुसार कुर्क किया गया है। इसी तरह से प्रदेश के चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।